हेलो एवरीवन वेलकम टू एड्यू एप सो लास्ट हमारा आज का टॉपिक है विद इन सीरीज दैट इज डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस तो इट इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो जहां पे हमने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस एनपीसीआई की प्रोडक्ट्स की बात करी थी तो बेसिक यूपीआई हमने डिस्कस कर लिया था यूपीआई पी टू कुछ नए फीचर्स आए हैं यूपीआई के अंडर उनके बारे में बात करते हैं वन इज वन टाइम मैंडेड विद ब्लॉक फंक्शनैलिटी इस फीचर के थ्रू आप एक ट्रांजेक्शन को प्री ऑथराइज कर सकते हो फंड्स को ब्लॉक कर सकते हो और ये डेबिट बाद में होंगे जैसे मैंने अगर कैब बुक करी है तो मेरे पहले ही मान लो तीन सौ रुपए हो जाएंगे लेकिन जब मैं कैब राइड मेरी कंप्लीट हो जाएगी तब पैसे मेरे अकाउंट से कटेंगे ठीक है तो मैं पहले ही मैंडेट दे सकती हूँ फिर है ओवरड्राफ्ट अकाउंट एज ए अंडरलाइंग अकाउंट ऑफ यूपीआई पहले यूपीआई के साथ आपका या तो करंट अकाउंट लिंक होता था या सेविंग्स अकाउंट लिंक होता था लेकिन अब आप अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट को भी लिंक कर सकते हो ठीक है तो कस्टमर चेक कर सकता है कि अवेलेबल बैलेंस कितना है यूजेबल बैलेंस कितना है ओवरड्राफ्ट में और उसके थ्रू भी पेमेंट हो सकती है नेक्स्ट इज इन द इनबॉक्स व्यू अटैचमेंट एंड पे तो आप पेमेंट करने से पहले इन को वेरीफाई कर सकते हो जो मर्चेंट है आपको पहले इन सेंड कर सकता है और वेरीफाई करने के बाद आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो ठीक है सो द मर्चेंट कैन शेयर इनवॉय विद द कस्टमर बिफोर द ट्रांजेक्शन इज ऑथोराइज अगला है साइंड इंटेंट एंड QR जब आप पेमेंट्स करते हो क्यू आर कोड वगैरह के थ्रू अब उसमें ज्यादा सिक्योरिटी एड हो गई है ठीक है एडिशनल सिक्योरिटी हो गई है इन द फॉर्म ऑफ signed क्यू आर एंड इंटेंट तो टैम्परिंग करना पॉसिबल नहीं है ठीक है क्यू आर से टैम्परिंग हो जाना नॉन वेरीफाइड एंटिटीज आ जाना वो पॉसिबल नहीं है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एड कर दी गई है फिर है भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी ये एक ऐप है जो यूजर को एनेबल करती है सिंपल इजी और क्विक पेमेंट्स करने में ठीक है तो आप बैंक टू बैंक पेमेंट्स कर सकते हो पेमेंट कर सकते हो पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो यूजिंग जस्ट योर मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड हो एज यू ऑन यूपीआई वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि यूपीआई आईडी या फिर अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के थ्रू भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो तो आपको पैसे भेजने हैं आप भेज सकते हो आप मनी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे पैसे भेज दो उसकी भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो स्कैन करके पे कर सकते हो ठीक है बहुत सारी आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो और इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेज को भी भीम सपोर्ट करता है ट्वेंटी रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं जैसे हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगू मलयालम हरियाणवी बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे सपोर्टेड हैं जिससे कि यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है आप किसी यूज़र को ब्लॉक भी कर सकते हो आप प्राइवेसी के लिए आप अपना जो मोबाइल नंबर यूपीआई वाला जो है वो आप डिसेबल भी कर सकते हो कि ना पता लगे सो इट अलाउज अ यूजर टू डिसेबल एंड इनेबल मोबाइल नंबर एट द रेट यूपीआई इन द प्रोफाइल इफ अ सेकेंडरी वीपीए इज क्रिएटेड तो आप हाइड भी कर सकते हो ठीक है उसके बाद आप पेमेंट रिमाइंडर्स आपको मिल सकते हैं आप बिल स्प्लिट कर सकते हो आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो भीम ऐप को यूज करके आप ऑटो पे की इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो बिल्स मोबाइल बिल ईएमआई वगैरह पे करने के लिए तो पर ट्रांजेक्शन एक लाख रुपए तक आप भेज सकते हो ठीक है एक दिन में मैक्सिमम एक अकाउंट से एक लाख रुपए की आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो ठीक है ये जो लिमिट है पर बैंक है पर बैंक एक लाख रुपए की लिमिट है जो भीम के साथ लिंक्ड है फिर है बीबीपीएस यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम इसे भी आर ने कंसेप्चुलाइज किया था एनपीसीआई ने इसको डिवेलप किया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम आपको मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट्स प्रोवाइड करता है और आपको इंस्टेंट कंफर्मेशन मिल जाता है और कंज्यूमर कंप्लेंट्स भी यहाँ पे हैंडल हो जाते हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है लैंडलाइन गैस बिल ब्रॉडबैंड मोबाइल वाटर बिल डीटीएच कोई भी बिल आपको पे करने हैं तो ये आपके पास अवेलेबल है भारत बिल पेमेंट सिस्टम तो पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग से करो यूपीआई से करो कैश से करो डेबिट कार्ड से करो वॉलेट से करो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं ठीक है बैंक ब्रांच में जाके करो मोबाइल से करो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू करो बहुत सारे आपको मोड्स अवेलेबल हैं बिल्स पे करने के लिए उसके बाद एक पेमेंट का बहुत पॉपुलर तरीका है गूगल पे ये एक एंड्रॉयड बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है अभी वैसे ये आई पे भी अवेलेबल है तो गूगल पे एक तरीके का डिजिटल वॉलेट है जो कि गूगल ने डेवलप किया है आप अपने डिवाइसेस पे गूगल पे के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो ठीक है आप इसे अपने डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से लिंक कर सकते हो ठीक है और एंड्रॉयड डिवाइसेस में तो गूगल पे आपको नियर फील्ड कम्युनिकेशन का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है कि जैसे आप वो टैप वाला होता है ना ऑप्शन वैसा ही गूगल पे में भी आपका एक तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो जैसे आपके आज आजकल कार्ड आते हैं ना वो टैप एंड गो वाले के बिना स्वाइप किए वैसे गूगल पे की ऐप से भी आप ऐसे टर्मिनल के पास ले जाके पेमेंट कर सकते हो गूगल पे में ठीक है फिर आता है आधार आधार बारह डिजिट का एक नंबर होता है जो यू यानी कि एनि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके थ्रू इंडिविजुअल्स को ये मिलता है यू वाले इशू करते हैं आपका ये यूनिक होता है आधार नंबर ठीक है आपका बायोमेट्रिक डेटा होता है आपका डेमोग्राफिक डेटा होता है इसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता ठीक है जो हर नंबर होता है ना वो रैंडमली जनरेटेड होता है ऐसा नहीं है कि मेरा नंबर वन टू वन है आपका वन टू टू होगा वन टू थ्री होगा ऐसा नहीं होता रैंडमली नंबर जनरेट होता है ठीक है तो जो भी पर्सन आधार नंबर लेना चाहता है मिनिमम अपनी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन दे के बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन दे के आई स्कैन होता है उसके थ्रू आपका आधार नंबर आपको मिल जाता है सबको यूनिक नंबर मिलता है देन देर इज डिजीलॉकर लॉकर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है जिसमें आप बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हो कहीं पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपकी एप आप में आते हैं ठीक है पेन सीधा इनकम टैक्स वाले वालों की तरफ से आएगा मेरी मार्कशीट सीधा सीबीएसई के यूशर से आएगी ठीक है आप एक आधार नंबर के थ्रू डिजी लॉकर में अपना रजिस्ट्रेशन करते हो आपको वन जीबी का क्लाउड पे स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपना सारा डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो और इवन आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो ठीक है फिर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क यानी कि बीबीएनएल ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर कंपनीज एक्ट जिसका ऑथराइज कैपिटल हजार करोड़ रुपए था तो इसका काम है इंडिया में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सेटअप करना इंडिया में जो है ग्राम पंचायतों में ब्लॉक्स में डिस्ट्रिक्स में हर जगह पे फाइबर बिछाओ और नेटवर्क जो प्रोवाइड करना है यहाँ पे मेन आपका मकसद है अंडर दी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड तो एक, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल एक कंपनी बनाई गई है कि बिछाओ फाइबर और जगह जगह पे हमें नेटवर्क लेके आना है उसके बाद है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो इसमें हमारा मेन गोल है कि हम कैपेबिलिटीज डेवलप करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एआई में तो पीएम ने 2015 में इसे लॉन्च किया था इस इनिशिएटिव को कि हम राधा दन की दूसरी कंट्रीज को फॉलो करें हम खुद पाइनियर बनें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम खुद इनोवेशन लेके आए नई नई कैपेबिलिटीज डेवलप करें स्टार्टअप कम्युनिटी इस तरफ आए ठीक है

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अमेंड करके इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो इंडिया में साइबर इंसिडेंट होता है कोई उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एनालिसिस करना फोरकास्ट करना अलर्ट जारी करना कुछ हो जाए तो वहां पे कंट्रोल करना साइबर के एरिया में साइबर सिक्योरिटी के एरिया में जो मेन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये है कि प्रिवेंशन कैसे करना है रिस्पोंड कैसे करना है साइबर अटैक को ये काम करते हैं नेक्स्ट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को एनपीसीआई ने डेवलप किया है ठीक है तो अभी आपकी गाड़ी में वो फास्टैग लगा होता है तो आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है कैश निकाल के देने की जरूरत नहीं है वो रीड हो जाता है आपका फास्टैग आर एफ आई डी पैसे आपका टैग होता है जिसको रीड करके आपको रुकने की जरूरत नहीं है और आप आगे निकल जाते हो आपको टोल पे बहुत देर रुकने की जरूरत नहीं है फिर ई सिग्नेचर ई सिग्नेचर जो है ई साइन एक पैन कार्ड होल्डर को आधार कार्ड होल्डर को अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन करने में हेल्प करता है ठीक है आप क्या करोगे एक वेब ई साइन एक वेब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस है जिसे कैन बी इंटीग्रेटेड विद द सर्विस डिलीवरी एप्लीकेशन एन ओपन एपीआई टू अलाउ एन आधार होल्डर टू साइन अ डॉक्यूमेंट डिजिटली आप डिजिटली साइन कर सकते हो तो अगर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं डिजिटल लॉकर इनकम टैक्स फाइनेंशियल सेक्टर में तो आप फिजिकली साइन करने की बजाय ई सिग्नेचर कर सकते हो इंडिया में ई e मुद्रा है एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जो एक ब्रांड है ई e मुद्रा जो आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्विस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इंक्रिप्शन और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ये जो ई e मुद्रा है ये गवर्नमेंट और बैंक्स के साथ काम कर रहा है या पेपरलेस इन्वायरमेंट हो कि ऑनलाइन ही डिजिटली सिग्नेचर हो जाए फिजिकली प्रिंट आउट कर करके कर कुछ करने की जरूरत ना पड़े ठीक है नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पहले अगर गवर्नमेंट को कुछ भी कॉमन यूज का एक्वायर करना होता था तो डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स के थ्रू होता था

डाय प्राइजिंग मार्केट कंडीशन के हिसाब से भी चेंज हो जाती है सब कुछ ऑनलाइन रहता है ठीक है सेलर फ्रेंडली डैशबोर्ड है इसका ठीक है जिसकी बिडिंग बढ़िया है उसको फिर मिल जाता है सेल करने को ठीक है अब इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं विच फीचर इन यूपीआई टू पॉइंट अलाउज अ कस्टमर टू ब्लॉक फंड फॉर अ ट्रांजेक्शन दैट विल बी डिबिटेड लेटर फंड्स आप ब्लॉक कर पाते हो वो कहां पे है वन टाइम मैंडेट विद ब्लॉक फंक्शनैलिटी यूपीआई 2.0 के अंदर और पेमेंट बाद में कटती है अगला है इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ साइंड इंटेंट एंड क्यू आर 2.0 टू का ये जो फीचर है ये आपको आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज करता है क्यू कोड वेरीफाई करके और टेम्परिंग नहीं होने देता ठीक है अगला है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन का क्या फायदा है वो जो फास्ट टैग लगे होते हैं है ना इलेक्ट्रॉनिक टोल पेमेंट्स हो जाती है आर एफ आई डी पॉजिटिव टैग्स लगे होते हैं अगला है व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का फायदा क्या है कि ऑनलाइन एक मार्केट प्लेस है जहां से गवर्नमेंट अपने गुड्स की प्रोक्योरमेंट कर सकती है ठीक है सेलर भी वहीं पे है बायर भी वहीं पे है ओके चलिए तो ये था हमारा आज का सेशन तो गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन इट फॉर टूडे थैंक यू सो मच